आपको रोल बनाना है। मगर काफ़ी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि भैया जो रोल बनाओगे क्या दोबारा यही बनाओगे? नहीं स्टूडेंट्स, डिजाइंस मतलब रोल बनाने का जो तरीका है वो एक ही होता है और डिजाइंस बनेंगे अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। तो मैंने ये दूसरा वाला रोल बना रहा हूँ आपके सामने, इसमें लगाना है दो कलर के पिंक, तीन कलर लगाएंगे आप लोग दो, जैसे मैं आपके सामने ये दो कलर पिंक लगा रहा हूँ, आप कितने भी लगा सकते हो, चार पाँच छः सात कितने भी। तीसरा पेपर ग्रीन, सबको पता है पेपर कहाँ से लगाएंगे हम लोग, नीचे। बेटा जवान ले तो ये रोल कंप्लीट है स्टूडेंट। अब दूसरा वाला डिजाइन बनाने के लिए पहले नंबर आप लोग काटोगे इस तरह से, एक हिस्सा छोटा एक हिस्सा बड़ा, केवल आधे से ज्यादा, और कुछ हिस्से को बचा के रखना। एक ही बार काटने के बाद पेपर कुछ नीचे डाउन कर लेंगे, सामने से एक छोटा सा हॉल दिखेगा, उसके सामने से अंदर में कैंची लगाना है और उसको पूरा काटना है। इसमें भी पेपर खुल जाएगी। पेपर खुलने के बाद स्टूडेंट इसमें दो कलर के पेपर है, गुलाबी और हरा, तो दोनों पेपर को थोड़ा सा झटकना है और झटकने के बाद पेपर को डिवाइड करना है अलग अलग, एक तरफ ग्रीन एक तरफ पिंक, बीच में कोई पेपर होता है उनको हटा के इस तरह से फेंक लेंगे। ये दोनों पेपर को मैंने अलग अलग किया है, ग्रीन को नीचे पिंक को ऊपर, और गुलाबी वाले पेपर को पहले नंबर आप लोग काटोगे कैंची से एक राउंड कट गोलाकार से, और हरे वाले पेपर को एक चाकू की तरह एक पत्ती के आकार से काट लेंगे इस तरह से। फिर आपको यूज करने के लिए इस तरह का कोई भी पेन पेंसिल लेना है स्टूडेंट, उसको रखना है ओनली फॉर गुलाबी वाले पेपर पे, और एक छोटा सा रोल बना देंगे और दोनों हाथों के फिंगर से थोड़ा सा पेपर को दबाना है तो इसमें एक छोटा सा डिजाइन आ जाएगा। फिर आपको दोबारा कैंची लेके आमने सामने केवल सिर्फ दो कट लगाने, बस डिजाइन रेडी। अभी मैंने भैया ने पहला वाला डिजाइन बनाया है, इसमें एक ही मॉडल बनता है, इसमें बनेंगे थ्री मॉडल्स, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे जो डिजाइंस वो रख सकते हैं। पहला फर्स्ट मॉडल, एक पेपर हल्का सा उठाना है धीरे से, एक ही पेपर हल्के हाथ से धीरे धीरे उठाओ, तो ये पहला वाला डिजाइंस आपके सामने तैयार हो जाएगा। अगर जिस किसी स्टूडेंट को ये डिजाइन सच कुछ अच्छा लग रहा है तो आप लोग रख सकते हो, अच्छा नहीं लगने से तोड़ेंगे नहीं, दूसरा वाला बनाएंगे। और दूसरे वाले बनाने को क्या करोगे, पेपर को नीचे बिठा के उल्टे हाथ से इस तरह से घुमाते जाओगे, गुलाब बनाओ। तो ये दूसरा वाला डिजाइन भी आपके सामने रेडी हो जाएगा गुलाब। वैसे स्टूडेंट इस डिजाइन का नाम भी है, दिल्ली का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, सुना है कि नहीं है? दिल्ली का एक फेमस टेम्पल है जिसको कहते हैं कुतुब मीनार। कौन सा मीनार? अरे भाई कुत्ता विवाह में कुतुब मीनार, कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार बनाने के बाद अच्छा लगने से रख सकते हैं, अगर ये भी हमें खराब लगे तो ऊपर वाले पेपर को थोड़ा सा काटना है और अपने हाथ में पांच उंगली है उसमें से एक उंगली इस पेपर के ऊपर रखोगे और धीरे धीरे नीचे बिठाओगे तो एक छोटा सा आपके सामने गुलाब का फूल इस तरह से तैयार होगा। कैसा लगा आपको? मैं भैया अभी जोधपुर से आ रहा हूँ और हम लोग स्कूल के आर्टिस्ट है कला